अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला का ना हम पर अजाब नाजिल हो चुका होता अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बीच में शामिल ना होती, यानी उनकी शील्ड ना होती। अच्छा, माजरा क्या है, आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं भी आपके सामने प्रूफ के साथ बात करूँगा, उसके बाद आप खुद समझिएगा कि अल्लाह ताला माफ़ करे हम किस कदर खतरे में हैं। बहरहाल, एक जिंदगी तक की मौका है, उसके बाद तो ये सारा जो एक सिलसिला उसका जवाब देना ही देना है। एनी हो, आज बेसिकली जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है वो ज़रा क्विकली रखनी क्योंकि खबरें ज़्यादा हैं। एक तो सीने पर सीधी गोली मारी गई है जिसके नतीजे में बंदे फड़क गए, और ये यकीनन बड़ा अफसोसनाक अंदोनाक वाक्य है, ये कहाँ पेश आया ये मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ पंजाब का एक बहुत बड़ा अफसर जो है आज फारिग कर दिया गया, वो क्यों फारिग किया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की 16 बयान तकरीर के बाद अब जो उनका नया कट्टा खुला है जिसमें उनकी बेटी के हाथों होने वाले 2 कत्ल उसका चर्चा है, यानी आज उनकी बेटी मीडिया पर जेर बहस है और इस सारे मरहले मर अब केस कहाँ खड़ा है। लेकिन इस सारी सूरत पर बात करने से पहले जरा वजीर आजम पाकिस्तान के खिताब पर बात करते हैं, जो उन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया है। अच्छा, उन्होंने किस बात का क्रेडिट लिया है, उस सिलसिले में मैं सिर्फ सूरत सफ की आयत 2 और 3 आपके सामने रखना चाहता हूं। या अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफअलून, ऐ ईमान वालो आखिर वो क्यों कहते जो करते नहीं हो, कौलो फेल में तुम्हारे तजाद क्यों है। दूसरा फिर अल्लाह फरमाता है काबूरा मक्तन इंदल्लाही अंतकूलू माला तफालून, अल्लाह के नज़दीक बड़ी नापसंदीदा बात है जो कहो उसको करो नहीं। तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब खिताब फरमा रहे थे और उसमें जब उन्होंने गजा का तस्करा किया और उसमें जिस तरीके से अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया और जिस दर्द का इजहार किया, मैं ये देख रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब करते हुए तो गजा का दर्द ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे रातों की उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, खाना पीना उनका ख़त्म हो चुका है और वो उस गम में बीमार हो चुके हैं, और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी अपनी फ़ौज को हुक्म देंगे कि जनाब फौरन जाकर गजा में इसराइल की बैंड बजा दो और मजलूम गजा के मुसलमानों को इंसाफ दो, उनका दिफा करो। मतलब उनके लफ्ज़ों में तो ऐसा तासुर आ रहा था, लेकिन अमली तौर पर आप देखें कि आज जिस हुकूमत के अंदर हम बैठे हैं, हम गजा का नाम नहीं ले सकते, गजा का परचम नहीं आप लहरा सकते, इसराइल के मुखालिफ बात नहीं कर सकते। आप देखें कि आज जब वज़ीर आज़म कौम से खिताब कर रहे हैं और मैकडोनल्ड में जो नौजवानों के साथ पुलिस ने बहिमाना तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया, उनका कसूर क्या था, वो इसराइल मुर्दाबाद और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और मैकडोनल्ड के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। लेकिन आप देखें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किस तरीके से गजा के नाम लेने वालों पर ज़मीन तंग कर दी गई है। और आज दूसरा नाज़रीन, आप देखें कि इस्लामाबाद में पिछले 2 महीने से गजा के हक में एक धरना जारी है, उस पर हर रोज़ पुलिस वाले कोई ना कोई लाठी चार्ज भी कर रहे होते हैं और उनको रोक भी रहे होते हैं, और आलम यह है कि मीडिया में उसकी कवरेज की इजाज़त नहीं है हुकूमत की तरफ से। तो ये कितना कोलोफेल का तजाद है, और इस लिहाज से और इस आयत की रूह से हम क्लियरली इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को नापसंद फरमाते हैं। मैं नहीं कह रहा, कुरान की आयत कह रही है, अल्लाह ताला हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को नापसंद फरमाते हैं। और इसी तरीके से अगर इसे जनरलाइज करें तो हमारे तमाम सियासतदानों में ये वाली खामी कूट कूट कर भरी हुई है। कौन सा ऐसा सियासतदान है जो सच बोलता है? आप नेम एनीवन, आसिफ जरदारी साहब को देख लें, आप इमरान खान साहब को देख लें, आप किसी एक्स वाई जी को देख लें, MQM को देख लें, इवन जमात इस्लामी को देख लें, जमीत उलमा इस्लाम को देख लें, आप पूरे के पूरे इस सियासी निज़ाम को देख लें, इस आयत की रूह से अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को नापसंद फरमाता है अपनी आयत की रूह से। तो आपके पास अभी टाइम है, आज सांस इधर से उधर हुई उसके बाद वो लिटर परेड शुरू हो जानी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ना आपको ये वज़ारत उज़्मा ने काम आना है, ना इस करोफर ने काम आना है, ना इस इस्टेब्लिशमेंट ने काम आना है, ना आपके वोटर सपोर्टर ने काम आना है, ना इस धोंस ज़बरदस्ती धांधली ने काम आना है, किसी चीज़ ने काम आमाल ने काम आना है। दूसरा नाज़रीन, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो कि सांगड़ में पेश आया जिसमें एक वडेरे ने एक ऊँटनी की टांग काट दी, क्यों, क्योंकि वो उसकी फसलों से गुजरी थी। आज मैं देख रहा था कि यार कितना बड़ा जुल्म है कि एक ऊँट को किस तरीके से उसकी टांग काट देगी, मैं जिस वजह से आपको पता है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के मामले पर कुरान के अंदर ये पूरा वाक्य दर्ज है, उस वाक्य में भी ऊँटनी की टांगें काट दी गई थी, उसे कत्ल कर दिया गया था, जबकि मुमानियत थी, तफसील के साथ में वाक्य नहीं बताता। लेकिन आप देखें इधर पाकिस्तान के अंदर सांगड़ में एक ऊँट की टांग काट दी जाती है, उधर सालेह अलैहिस्सलाम की
ऊंटनी की टांगे काट दी जाती है, उसे कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया। तो उसके बाद पहले दिन कौम समूद जो हज़रत सालेह अलैहि सलाम की कौम है उसके चेहरा जर्द होते हैं, दूसरे दिन सुर्ख हो जाते हैं और तीसरे दिन स्याह हो जाते हैं। और फिर वो लोग इतवार के दिन दोपहर के करीब होलनाक आवाज में गिरफ्तार हो जाते हैं और इतनी तेज और होलनाक आवाज आती और बढ़ती चली जाती है कि उनके जिगर फट जाते हैं और वो वहीं मारे जाते हैं सारे के सारे। इसी तरीके से आज इसी ऊंट की आहो पकार देखकर मुझे वो ऊंट याद आ गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शिकायत लेकर गया था। और शिकायत लेकर जाते हुए कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लम, मेरा मालिक मुझसे काम ज़्यादा लेता है, खाने को कम देता है। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के मालिक को बुलाते हैं, उसे तंबीह करते हैं कि इसे जुल्म मत करो। आप बताइए ये जो ऊँट इस वक्त आहो बका कर रहे हैं, इसकी जो चीखें डायरेक्ट अल्लाह तक जा रही हैं। और मैं एक बात सोच रहा था कि कौम समूद में भी जब ऊँटनी को मारा था गया था तो उस वक्त भी तो तकरीबन 8-9 लोग ही थे ना जिन्होंने ये मकरूह काम किया था, लेकिन पूरी कौम पर अजाब आया। अगली खबर नाज़रीन ये है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट और जो लड़ाई है ना अदलिया की, वो बड़े ही फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। आप ये देखिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो लास्ट टाइम इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से बयान दिया गया था, अच्छा उस बयान के बाद क्या हुआ? उस बयान के बाद इमरान शफकत साहब ने एक व्लॉग किया और उसमें ये इंकशाफ किया कि 2022 में जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनकी जो बेटी हैं उन्होंने दो बंदों को मार दिया था, उसके बाद अदलिया ने मिलके बीच में ही जज साहिबान ने मिलके केस को दबा दिया। अच्छा अब मैं ये सोच रहा था कि 2022 से अब तक इस केस पर किसी ने बात नहीं की, लेकिन जैसे ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बात की उसके बाद ये केस खुल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुफादात का टकराव है। अगर इंसाफ का तकाजा होता तो 2022 के बाद अब तक बड़ा टाइम हो चुका है, इस पर बात हो जानी चाहिए थी। वो कहते तू मेरी गल करेगा मैं तेरी गल करूँगा, तू मेरे टिड्डो कपड़ा चुकेगा मैं तेरे टिड्डो कपड़ा चुकेगा। इस वक्त ये लड़ाई जारी है भाई। तो आप ये देखिए कि अगर आपको लगता है कि ये अदलिया और ये जो इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई है ये अवाम के मुफाद में, ना भाई अवाम के मुफाद में इस वक्त पूरे निज़ाम में कुछ भी नहीं है। अच्छा अब इस सारे मरहले में उनकी बेटी का तस्करा हो रहा है क्योंकि कत्ल का उन पर इल्ज़ाम है। अच्छा फिर वो जो सारा किस्सा सामने आया उसके नतीजे में आप देखिए कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें अब लाहौर के चीफ जस्टिस जो हैं कहाँ खड़े हैं? अभी तो शुरुआत है ना, मज़ीद और चीज़ें आएंगी। इससे पहले जस्टिस बाबू सत्तार साहब की कुछ फैमिली डिटेल्स आ गई थी, आज लाहौर के चीफ जस्टिस की फैमिली डिटेल्स भी कुछ आ गई हैं, मतलब उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह आ गया। तो अब ये मकसद यहाँ पर ये है कि इस सारे मरहले और मामले में सिंध के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी एंट्री हुई है, उन्होंने जनाब एक नया मामला खोला जिससे मज़ीद वाजह हो गया कि एक तकसीम है अदलिया के अंदर। वो उन्होंने कहा जनाब हमें तो कोई आज तक किसी खुफिया इदारे वाले ने नहीं कहा। यानी आप देखिए कि लाहौर के जजेस हों इस्लामाबाद के जजेस हों वो खुलकर कह रहे हैं कि जनाब हमें खुफिया इदारे वाले डिस्टर्ब करते हैं। आज देखें पाकिस्तान की जो अदलिया 140वें नंबर पर है तो उसकी कारकर्दगी हमें बताने की और दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो तो चीख चीख कर बता रही है। आज पाकिस्तान के हालात चीख चीख कर बता रहे हैं कि जनाब हमारे सियासतदान कितने को सज्जन है। मतलब अगर हम टेक्निकली अंदाज में देखें तो हमारे सियासतदान इन 76 सालों में तरक्की करते करते अपनी नस्लों की नस्लें संवार गए और पाकिस्तान के इस वक्त हालत ये है कि थोड़ा सा पेट्रोल आपका सस्ता किया जाता है, साथ बिजली महंगी कर दी जाती है। और आज वज़ीर आज़म साहब खिताब करते हुए आपको अपने 100 दिन की वो कारकर्दगी गिनवा रहे होते हैं, लेकिन आप डिटाई का आलम देखिए कि ये उस वक्त सब कुछ हो रहा होता है जब बजट में अपनी वजारत उज़्मा के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए, सेनेट के लिए, सदर के लिए, अपने वज़रा के लिए खुल खुला के ब्राइब रिश्वतें और बजट एलोकेट करके अल्ले तल्ले अय्याशियाँ पूरी ओके करके रखी हैं अवाम को। वो कहते हैं ऊँट के मुंह में ज़ीरा, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा रिलीव देकर उन पर जिताना। यानी हो दूसरा नाज़रीन, अब इस सारे मरहले और मामले में आप ये देखिए कि जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनके मुअत्तली के हुक्म जारी किया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शहबाज साहब जो हैं शहबाज गिल साहब, उनके भाई की बाजियाबी का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ उसमें उन्होंने मज़ीद दो अफसरान के समेत उनको कहा कि जनाब चूँकि बाजियाब नहीं हुए तो लिहाजा अब इनको जो है मुअत्तल कर दिया जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आए हैं। और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो आज बड़ा अफसोसनाक अटक में वाक्य पेश आया जिसमें एक एएसआई ने, बल्कि एएसआई के सब इंस्पेक्टर ने अंधाधुन फायरिंग करके दो वकला को
कत्ल कर दिया। अच्छा, अब इसमें वो गिरफ्तार हो गया है क्योंकि मरीम नवाज साहिबा ने इस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेकर उन्होंने कहा कि भाई फौरी जो है इसका मामला जो है करें, ख़त्म करें, और इसको मरीम नवाज ने इसका एक्शन लिया। दूसरा नाज़रीन, अटक से बड़ी अफसोसनाक खबर आई जिसमें दो जो वकील है वो कत्ल कर दिए जाते हैं एक पुलिस वाले की तरफ से, और पुलिस वाला फायरिंग करके उनके दफ्तर में उन्हें कत्ल करके आता है। पता लगता है कोई पुराना कोई लेन देन का मामला है या घरेलू कोई मामला है। बहरहाल वो पुलिस वाला गिरफ्तार हो गया है, जेल में है, और उस पर दहशतगर्दी और कत्ल की दफात लग गई हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम करें। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।